गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जंक्शन पे। दोस्तों, आज से हम यहां पे वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, बैंकिंग हो, एसएससी का हो, यहां एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा वर्क एंड टाइम का पहला सेट है, इसलिए यहाँ पर वन लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम अपने सबसे पहले सवाल पे। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 अंश को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि कार्य की मात्रा में 50% की और वृद्धि हो जाए तो उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ये सवाल कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। पूरा कार्य करने में, पूरा कार्य करने में लगा समय, तो पूरा कार्य करने में लगा समय क्या होगा दोस्तों, 8/7 × 21। 7 × 3 = 21, 8 × 3 = 24, तो ये हमारा 24 दिन हो जाएगा दोस्तों। चूँकि कार्य की मात्रा में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो 50% की वृद्धि होने के बाद कार्य करने में पूरा समय में लगा समय, तो हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। चूँकि हमको कार्य, एक कार्य पूरा करने का जो समय है वो ज्ञात है, 24 दिन है, तो 24 + 24 का आधा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। तो कहते हैं कि उससे उस कार्य को करने में, को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे, तो अभीष्ट दिनों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, थर्टी सिक्स माइनस 21 इक्वल टू 15, तो ये हमारा 15 डेज आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स का 2020 का ये पूछा गया सवाल है। है एक व्यक्ति एक्स किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति वाई उसी कार्य का 25% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उसे कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों इस सवाल को, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक्स जो व्यक्ति है, एक्स को कार्य करने में, करने में मतलब पूरा करने में लगा समय क्या होगा दोस्तों, क्योंकि 20% में 8 दिन लगते हैं, तो जानते हैं कि आप 100% मतलब पूरा काम होता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 × 100 / 20, तो 25 × 100, तो ये 40 दिन। तो एक्स को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा दोस्तों, 40 दिन। वहीं वाई को कार्य करने में, पूरा करने में लगा समय, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ 25% है तो हम वो नहीं देखेंगे, 6 × 100 / 25, तो ये 25 × 100, 6 × 24, तो आप देख रहे हैं कि एक्स को 40 दिन लगता है और वाई को 24 दिन लगता है। तो अब हम दोस्तों लिखाएंगे एक्स प्लस वाई, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कार्य को पूरा करने में, एक्स प्लस वाई को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, करने में लगा समय,
तो यहाँ पे हमको है 40 × 24 / 40 + 24, तो ये आप निकालिएगा दोस्तों तो आएगा 15। ठीक है दोस्तों, अब कहते हैं कि कार्य का केवल 40%, जो कार्य है हमको सिर्फ 40% ही लाना है। क्या करना है, 40% ही कार्य हमको दिखाना है। तो ये 15 डेज जो आपका है दोस्तों वो कब है पूरा कार्य करने में, जैसे हमको यहाँ पे यदि आपको कैलकुलेशन में होता है दिक्कत तो आप लिख सकते हैं 40 × 24 / 64 और 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24, तो 5 × 3 = 15। तो यहाँ पे देखिए ये 100, जब एक्स वाई किसी कार्य को पूरा करेगा तो वो 15 डेज में करेगा, मतलब 100 का, तो यहाँ 40 का पूछ रहा है दोस्तों, तो हम लोग 40% कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 15 / 100, तो यहाँ पे देखिए 10 कट गया, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे हमको 6 डेज लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 डेज, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला 6 डेज। ये हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों, ये भी समय और काम से रिलेटेड है और UPSC 2016 में पूछा गया है। सवाल है दोस्तों कि W किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिनों में करता है, X उस कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है, Y उसी कार्य का 40% भाग को 40 दिनों में करता है और Z उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में करता है, तो कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा। तो दोस्तों आइए ये सवाल कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम W की बात कर लेते हैं कि W को कार्य पूरा करने में लगा समय, तो बहुत इजी है दोस्तों, 100 / 25 × 30, तो ये हमको 120 दिन हो गया दोस्तों। दूसरा है X को कार्य पूरा करने में लगा समय हो जाएगा 1/4 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1/4 को कितने दिनों में करता है दोस्तों 10 दिनों में, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 4 × 10 इसका हो जाएगा 40। Y के बारे में, Y को कार्य पूरा करने में लगा समय, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि Y उसी कार्य का 40% भाग को 40 दिन में करता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 100 / 40 / 40, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 40 कट गया, ये हमारा आ गया 100। और जेड की बात कर लेते हैं कि जेड को कार्य पूरा करने में लगा समय, तो जेड 1/3 भाग 13 दिनों में करता है, तो 3 × 39। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे दिन जो कार्य करने में लगाता है वो हमारा जेड है 39 डेज, उसके बाद एक्स है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डे। इस तरह से हम डे पे आंसर ये हमारा हो गया। दोस्तों ये हमारा चौथा सवाल है समय और काम से संबंधित। सवाल है, राम और श्याम किसी कार्य करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% कार्य पूरा करते हैं, तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है, राम को अकेले कार्य करने में कितने दिन लगते। हमारा ऑप्शन है पहला 6 दिन, दूसरा है 8 दिन, तीसरा है 10 दिन, चौथा है 11 दिन।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। चूंकि राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% कार्य पूरा करते हैं, तो शेष कार्य कितना बचा है दोस्तों? तो 60 100 - 60 मतलब 40%, और 40% काम शेष है और इसको श्याम को कार्य पूरा करने में लगा समय क्या होगा दोस्तों? 40%, तो 40 100 / 40 इंटू कितना है दोस्तों? 8। तो ये श्याम उसी कार्य को कितने दिन में करता? 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में। श्याम को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगता दोस्तों? 20 दिन। क्यों? क्योंकि श्याम जो है वही काम का 40% भाग काम 8 दिनों में करता है। अब है राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता? तो पहला है, यदि आप श्याम का 4 दिन में निकाल लें तो श्याम द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय कितना है दोस्तों? 20 दिन। तो अब श्याम 4 दिन में कितना काम करता है दोस्तों? कितना प्रतिशत? 100%। तो देखिए 100 में कितना है? 20, तो 100/20 × 4 ये 20% कार्य हुआ। तो श्याम 4 दिन में 20% काम किया, जबकि टोटल काम कितना हुआ था? 60%। तो राम द्वारा 4 दिन में कितना? राम द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य 60 - 20 = 40%। तो राम 4 दिनों में 40% करता है, तो 100% काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए उसको? राम द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय 100/40 × 4 तो 4 4 कट गया और 1010 कट गया, तो ये पे 10 दिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समय है दोस्तों, समय और काम से रिलेटेड सवाल है कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है? तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले दोस्तों अभीष्ट, मतलब जो हमें निकालना हो, तो अभीष्ट आदमियों की संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक आदमी की बात करें तो 32 × 6 × 10 ये एक आदमी को पहला काम करने में समय लगेगा।
32 आदमी, 6 घंटे और 10 दिन। कहते हैं कि अब प्रतिदिन 10 घंटे आपको काम करने हैं तो ये काम 12 दिनों में ख़त्म हो जाता है। तो बोलते हैं कि आदमियों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, जो रेस्ट बचा 10/12। तो यहाँ पे देखिए 10 कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ पे 2 से काटेंगे 16 दूनी 32। तो अभिष्ट आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम ये भी सवाल बना लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की। ये हमारा छठा सवाल है दोस्तों, ये भी समय और काम से संबंधित है। कहते हैं कि पीयू और चीयू एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले यह काम 20 दिनों में पूरा करता है, तो उसी काम को चीयू अकेले कितने समय में पूरा कर लेगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसका हम लोग सल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्यू द्वारा काम पूरा करने में लगा समय, यही हमको निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पी और क्यू एक साथ 12 दिनों में यह काम पूरा करता है, और पी अकेले 20 दिनों में ये काम पूरा करता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 20 गुना 12 बटे कितना, 20 माइनस 12, तो ये हमारा 240 डिवाइड बाय 8, ये हमारा हो जाएगा 30। तो क्यू को उसी काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा दोस्तों, 30 दिन। तो इस तरह से हमारा ये भी सवाल दोस्तों बन गया। हमारा सातवां सवाल है दोस्तों, सवाल है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे उसी काम को करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। लिखेंगे अभिष्ट दिनों की संख्या, अभिष्ट मतलब जो निकालना रहता है, अभिष्ट दिनों की संख्या तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, 30 गुना 5 गुना 16 डिवाइडेड बाय 20 गुना 8। तो ये शून्य कट गया, 8 दूनी 16, ये दो कट गया, तो 5 दी आई 15। तो हमारा कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा दोस्तों, 15 दिन। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये भी समय और काम से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कहा गया है कि ए बी से दुगुना सक्षम है, ए बी से दुगुना सक्षम है, तथा ये मिलकर एक कार्य को 19 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमारा सॉल्यूशन जो है दोस्तों, पहला हम लोग अनुपात देख लेंगे, ए अनुपात बी। कहते हैं ए बी से दुगुना सक्षम है, यानी जो काम ए एक दिन में करेगा वही काम बी 2 दिन में करेगा, बात समझ गए। तो यहाँ बी द्वारा अकेले कार्य करने की बात आती है, तो बी अकेले काम को पूरा करने में लगा समय, तो ये है जो दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, तो 19 गुना 2 प्लस 1,
कितना हो जाता है 19 × 3 = 57। तो बी को उसी कार को कितना दिन में लगेगा दोस्तों करने में, 57 डेज।